classified according to amount of available moisture it is extremely arid, ARID, arid. Some areas, in some areas are 15% arid. And some areas are 14.6% arid. Now, the second point is semi-arid, arid and completely dry. Okay? Now, write down the causes and types. Causes and types. Please, boliye nahi. Sir, sab ko sunai dega. अच्छा अब जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहते हैं हम अगर दोनों भाषाओं में बोलेंगे तो फिर वक्त बहुत ज्यादा लग जाएगा लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम आपको समझा सके कि ये जो देखेंगे रिजल्ट जो एरियाज हैं ये 15% एरिड एरियाज में है 14.6% सेमी एरिड है और 4% एरियाज ज्यादातर जो कि बिल्कुल ही कंप्लीटली ड्राई एरियाज हैं Now just write down few points, causes and types of deserts. इसपे सिर्फ मैं नाम बताती जा रही हूँ. सबसे पहले लिखिए subtropical desert. Subtropical. ये 15 degree north और 35 degree, 15 degree और 35 degree के बीच में होते हैं near equator. ठीक है? इसपे आप लोग नाम सुना होगा. कालाहारी desert है, सहारा desert है, ये सारे के सारे इसके आते हैं. फिर उसके बाद आता है cool कोस्टल डेजर्ट कूल कोस्टल डेजर्ट ये आप अगर वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे तो इस तरीके के एरिया का दिखाई देंगे और भारत में भी एक क्षेत्र है जिसको कि आप जानते हैं बहुत अच्छे से हाँ जी हम कोस्टल की बात कर रहे हैं तो एक बात अब इसको देखिए ये इतनी टेक्निकल बातें हैं कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाने में वो बात नहीं आ रही है लेकिन फिर भी आप कोशिश करते हैं एक चीज को कि लीवर्ड साइड एंड विंडवर्ड साइड आप सब जानते होंगे तो ये सारे के सारे कोस्टल एरियाज भी इसी वजह से होते हैं क्योंकि क्या होता है जब जो सी से आने वाली मॉइस्ट विंड्स होती है और जब माउंटेन से टकराती है तो माउंटेन का जो लीवर्ड साइड होता है उस तरफ जो रेनफॉल की कम होता है और जो विंडवर्ड साइड होता है तो उस जो एरिया जैसे हमारे अगर हम साउथ सदर पार्ट ऑफ इंडिया में देखें तो सदर पार्ट ऑफ इंडिया में भी केरल के साइड में मॉइस्चर बहुत ज्यादा है प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा है बारिश बहुत ज्यादा होती है और जैसे ही हम केरल को क्रॉस करते हैं वो सारा का सारा ड्राई एरिया होता है तो ये बात आप लोगों को समझनी है और ये जो कि आपका जो एरियाज है वो चिली है पेरू है नॉर्थ अमेरिका है साउथ अमेरिका है और जो अभी हमने आपको बताया फिर उसके बाद आते हैं इसी के अंदर आते हैं रेन शैडो एरिया जो अभी हमने आपको डिस्कस किया फिर आता है इंटीरियर कॉन्टिनेंटल डेजर्ट इंटीरियर कॉन्टिनेंटल डेजर्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कि आप लोगों ने नाम सुना होगा गोबी डेजर्ट गोबी डेजर्ट नाम सुना है ना आप सबने हाँ तो ये सेंट्रल एशिया में क्योंकि क्या होता है कि कहीं से भी जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं उनके आस पास क्योंकि कोई भी सी एरिया नहीं है सेंट्रल एरिया है तो जितनी भी मॉइस्ट विंड्स हैं जब वहां तक पहुंच ही नहीं पाती और वहां तक ना पहुंचने के कारण वो एरिया जो है वो ड्राई रह जाता है और इस तरह के प्लेट्यू जो पठारी एरियाज हैं उनमें भी इस तरह की कंडीशन पाई जाती है तो आप सिर्फ जब आप डेजर्ट की बात करते हैं तो सिर्फ ये ना सोचे कि वहां पे रेत होती है सिर्फ रेत से ही डेजर्ट को मत कोरिलेट करिए कोल्ड डेजर्ट है हॉट डेजर्ट है और जो हमारे कोस्टल डेजर्ट है पोलर डेजर्ट जैसे कि पोल डेजर्ट आते हैं तो वो उसमें पोलर डेजर्ट आते हैं इसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो समझ लीजिए वो भी हमसे पॉइंट अभी तक जो हमने बात बताई वो आप सबको समझ में आ रही है बहुत जल्दी जल्दी बताना पड़ रहा है मुझे लेकिन अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही तो हम लोग जब क्लास खत्म होने लगेगा तो एक बार और उसको हम रिवाइज करेंगे नाउ जस्ट राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेजर्ट इसमें सबसे पहला है टेम्परेचर एज ऑल ऑफ यू नो दैट 100 डिग्री फारेनहाइट का टेम्परेचर जाता है मोर देन दैट आल्सो और इस ये सारे के सारे एरियाज
जहां पर हाई टेम्परेचर होता है और लो प्रेसिपिटेशन होता है या इवेपोरेशन जाता होता है उन एरियाज में डेजर्ट मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है वाटर और ड्रेनेज, जहां पर वाटर स्केर्सिटी होती है उन एरियाज में होता है। फिर उसके बाद आता है सरफेस फीचर्स, सरफेस फीचर्स में अभी हम आपको लैंडस्केप वगैरह बताएंगे और कुछ विंड इरोजन बताएंगे। प्लांट एंड एनिमल लाइफ के बारे में आप जानते हैं, उसी तरीके के प्लांट वहां सर्वाइव कर सकते हैं, उसी तरह का एग्रीकल्चर वहां पर हो सकता है जिसको हम हार्ड क्रॉप कहते हैं। आप जानते हैं कि राजस्थान वगैरह में ज्यादातर बाजरा और रागी इन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, हार्ड क्रॉप्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है जिनमें की पानी की कम आवश्यकता होती है। और एनिमल्स भी आपको पानों में होगा, बच्चों के समय उसको बताने की जरूरत नहीं है कि वहां पर किस तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं। एरिया में हर एक एरिया का अलग वेजिटेशन है, पोलर एरिया का अलग वेजिटेशन है, पोलर एरियाज के अलग एनिमल है। और इसी तरीके से जो डेजर्ट सहारा डेजर्ट है या भारत का थार डेजर्ट है उसमें अलग तरीके का प्लांटेशन। हाँ ये जरूर है विद द फैसिलिटी ऑफ कैनाल्स इन प्रॉपर इरिगेशन वहां पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो ये रेत होती है ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, बहुत ज्यादा बस इसको पानी की आवश्यकता होती है। अगर हम पानी इसमें किसी तरीके से कैनाल वहां पर कैनाल इरिगेशन वहां पर दिए जा सकते हैं तो उसको हम बहुत आगे बहुत अच्छा वहां पर कृषि कर सकते हैं। अब जैसे कि आप अफ्रीका में जानते हैं कि जो हम लोग की नाइल रिवर है उसको आप सब जानते हैं कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में, या तो आप जब पढ़ते तो कहते हैं बिल्कुल सहारा डेजर्ट के बीच में निकलती है। अब हम बहुत मिस कर रहे हैं ना, मैं एफर्ट करके इतनी दूर से लाद के लेके आ रही हूँ लेकिन इसको काम नहीं कर पाएंगे। तो वो जो सहारा डेजर्ट जो है वो उसको क्रॉस कर दिया तो लेकिन उसके पास जितना भी एरिया है वो सोचिए वो पूरा का पूरा ग्रीन एरिया है, वहां सबसे ज्यादा सिविलाइजेशन था, सबसे ज्यादा सिविलाइजेशन था लेकिन सहारा के बीच में निकल गए। तो ये जो है कि अगर आपके पास प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी है तो उसमें आप वहां पर इस तरीके की कृषि कर सकते हैं। और आगे भी अब जो इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं उन्हीं पॉइंट्स पे हम देखते हैं, मुझे जाना पड़ेगा। सबसे पहला आता है पिगमेंट्स। पिगमेंट्स क्या होते हैं? जो भी ड्राई एरिया जब किसी भी डेजर्ट एरिया में, जो आप डेजर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला हमने आपको इंपैक्ट ऑफ विंड्स बताया, इंपैक्ट ऑफ विंड। इसके बाद नंबर टू आता है आपका पेडिमेंट्स एंड पेडिक्लेज, पेडिमेंट एंड पेडिक्लेज। आप कभी भी किसी भी राजस्थान जैसे किसी भी डेजर्ट एरिया में कभी आप गए हो तो आपको ये दिखाई देगा कि वहां पर कई सारे पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। वो पहाड़ क्या है? वो एक सॉलिड रॉक फॉर्मेशन है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब भी एक बात और आप समझिए, जो आप लोगों ने शुरू की क्लासेस में पढ़ा होगा जो पेंजिया था, पेंजिया से फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ और हमारे सामने ये कॉन्टिनेंट आए, ये सब बातें आप लोग पढ़ चुके होंगे अभी तक। तो ये एक बात आपको समझनी है कि ये जो भी एरिया था ये बहुत पुराने एरिया थे। ये जो नया जो भी नया अगर कोई रेतीला एरिया होगा डेजर्ट एरिया होगा तो इट इज बिकॉज ऑफ द डेजर्टिफिकेशन। अब आपको ये समझना पड़ेगा डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, वो हम बाद में बात करेंगे क्योंकि उसको वो इसमें एपिसोड उसमें आपके नहीं है, उसको हम आगे नहीं लेके जाएंगे। तो ये जो एरिया है क्योंकि पुराने जितने भी आप अरावली माउंटेन्स वगैरह देखते हैं ये ओल्ड माउंटेन्स है, गोंडवाना लैंड एंड अंगारा लैंड, ये सब आप पढ़ चुके होंगे, जियोसिंक्लाइन नाम पढ़ चुके होंगे। तो उसमें जब आप देखेंगे कि जो रेतीला एरिया है उसमें इस तरीके के आपको कुछ माउंटेन्स इस तरह से दिखाई देते हैं। और ये जो माउंटेन्स होते हैं इनकी ज्यादातर आप ये देखेंगे कि ये इस तरह का ये फॉर्मेशन देखते हैं आप, ये फॉर्मेशन क्या है कि ये हार्ड रॉक है और ये हार्ड रॉक में विंड का जो डायरेक्शन है वो इस तरह और विंड का डायरेक्शन इस तरह है, तो ये क्या कर रही है, ये पर्टिकुलर एरिया को ये काटती जा रही है। तो ये जो इस तरह के फॉर्मेशन आते हैं या कई प्लेन से आते हैं जो कुछ एरियाज हैं, सपोज ये एरिया है और ये आगे यहाँ पे प्लेन का एरिया है और ये माउंटेन एरिया है, तो ये भी किस वजह से हुआ है, ये विंड डायरेक्शन की वजह से हुआ है। जो भी विंड का डायरेक्शन होता है जिस तरफ विंड ब्लो करती है वो हार्ड रॉक को के ऊपर केमिकल रिएक्शन होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा कभी सुना भी होगा, वेदरिंग्स होती है, वेदरिंग के बारे में और भी हम आपको कई सारे
अलग अलग फॉर्मेशन अभी बताते चले जाएंगे। दूसरा तो एक तो ये हो गया आपका, दूसरी चीज आती है प्लाइज, पी एल ए वाई ए एस, पी एल ए वाई ए एस, प्लाइज। प्लाइज क्या होते हैं, ये भी जो एक डेजर्टेड एरिया है, डेजर्टेड एरिया है जहां पे एग्रीकल्चर नहीं है, उपजाऊ भूमि भी नहीं है, लेकिन ड्यू टू सब केमिकल रिएक्शन एंड बिकॉज ऑफ रेनफॉल वहां पर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो देखिए ये पूरा का पूरा सपोज ये डेजर्ट एरिया है और इसमें एक ये पैच है, एक पर्टिकुलर पैच है, एक ये पैच है या ये पैच है, ये इसका एक सिंक कर जाता है अंदर की तरफ, एक तरीके से कहना चाहिए लेक जैसा एक फॉर्मेशन बन जाता है और जब बारिश होती है या अंडरग्राउंड वाटर सरफेस के ऊपर आ जाता है तो यहाँ पर छोटे छोटे पानी के स्रोत आ जाते हैं जो ओएसिस नहीं है। तो यहाँ पर पानी और ये पानी कभी सूख जाता है, बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन हो गया, बारिश नहीं हुई तो ये ड्राई भी हो जाता है, लेकिन ओएसिस सूखता नहीं, ओएसिस कभी नहीं सूखता है। ओएसिस एक छोटे छोटे पैचेस हैं जहाँ पर पानी आप लोगों को डेजर्ट में मिलेगा और वहाँ को पेंसिल और सेट है उसके चारों तरफ आपको थोड़ी ग्रीनरी भी दिखाई देगी, लेकिन इन एरियाज में ऐसा नहीं होता और इनकी साइज डिफर करती है अकॉर्डिंग टू एरिया टू एरिया। किसी में तो ये एक बहुत ही 20 किलोमीटर में होगा तो कहीं पर 1000 किलोमीटर में भी काफी बड़ा एरिया भी कवर करेगा। इसके लिए सबसे इंटरेस्टिंग आप ये देखेंगे जब आप इन चीजों को यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत मजा भी आएगा देखने में, क्योंकि मैं पूछ रही थी उनसे कि अगर कोई फैसिलिटी हो जैसे कि हम इनको आप लोगों को दिखा सकें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से तो और अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं। इसके बाद आता है डिफ्लेशन, डिफ्लेशन और डिफ्लेशन और दोस ये भी आप हर जगह देखेंगे जहां पर कोल्ड डेजर्ट में भी आपको दिखाई देगा और आपको हॉट डेजर्ट में भी दिखाई देगा। समझते हैं आप लोग, कोई आप सब में से हमको बताएगा कि डिफ्लेशन क्या होता है जो कि एक तरीके से बलूनिंग की तरीके का काम करता है और वो एयर अंदर कंप्रेस अंदर जाती है और अंदर जाके वो उसको एक तरीके से वेदरिंग करने लगती है, पर्टिकुलर रॉक की वेदरिंग करने लगती है। तो आपको इस तरह के फॉर्मेशन भी दिखाई देंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि सपोज ये एक पर्टिकुलर रॉक है और यहाँ पर आपको बिल्कुल हॉलो दिख रहा है, एकदम हॉलो दिख रहा है, यहाँ पर ये खाली है और ये रॉक, इस तरह की फॉर्मेशन आपको दिखाई देंगे। फिर आपको केव्स दिखाई देंगे जो कि आप लोग सब जानते ही हैं, केव्स वगैरह जितना भी कुछ आप देखते हैं चाहे वो माउंटेनस एरियाज में हो या आपको प्लेटू एरिया में दिखाई दे या आपको डेजर्ट एरिया में दिखाई दे, ये सब वेदरिंग के कारण होते हैं, केमिकल वेदरिंग के कारण होते हैं। और उसमें क्या होता है, जितनी सॉफ्ट रॉक होती है उसमें वेदरिंग उतना ज्यादा इफेक्टिव होता है। बात आप समझ रहे ना, जैसे कि आपने आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आपने एक पत्थर रखा और पत्थर के आगे एक आपने मिट्टी का गोला बना के रखा, दोनों चीजें साथ में रखी और हल्का सा पानी का आपने उसके ऊपर प्रेशर दिया, तो आप ये देखेंगे जो सॉफ्ट मिट्टी है सामने की वाली वो तो बिल्कुल बहने लगेगी, बह जाएगी और आपका जो रॉक है पत्थर है वो एज इट इज वहां पर रखा रह जाएगा और बहुत समय तक आप उसपे भी अगर पानी डालते जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसपे भी वेदरिंग केमिकल वेदरिंग का असर पड़ता जाएगा। अब नेक्स्ट आता है मशरूम, मशरूम रॉक्स भी जो आप लोगों ने अगर उसमें देखे हो कभी तो मशरूम रॉक्स भी जो है वो इसी तरीके की होते हैं, ये इस तरीके का फॉर्मेशन होता है, ये फॉर्मेशन होता है, दिस इज दीज आर कॉल्ड मशरूम रॉक्स।
आप कभी आप लोगों ने फोटो वगैरह में देखा होगा, है ना। तो ये मशरूम रॉक्स कहलाते हैं। इसी तरह से केबल जो हम प्लेट्यू एरिया है हमारा, वो भी एक आपने तिब्बत प्लेट्यू का नाम सुना ही होगा। वैसे हमारा लेकिन प्लेट्यू भी है, लेकिन प्लेट्यू लावा से बना हुआ है, तो इसको हम उसमें नहीं लेके जाएंगे, सब कुछ अलग है, उसका अलग है। तो इसमें जो ये सारे के सारे जो आप हट देते हैं, ये सारे के सारे ये विंड के ऊपर डिपेंड करता है। और विंड का डायरेक्शन दोनों जरूरी नहीं है कि हर समय विंड लेफ्ट टू राइट ही हो। अगर राइट टू लेफ्ट है तो वो अपना केमिकल रिएक्शन करेगी, अपनी तरीके से उसको काटेगी। उसके बाद आप लोगों ने सैंड ड्यून्स सुना ही होगा। जो जो हमको ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम सबसे पहले उन्हीं को कवर कर रहे हैं, है ना। हमको ये सिलेबस भेजा गया था तो हम इसको नहीं छोड़ना चाह रहे, पहले हम इसको चाह रहे हैं कि ये कवर कर दें, फिर हम आगे बहुत सारी बातें आपसे करेंगे। सर प्लीज इसको डलवा सकते हैं क्या? जी सर, इसको डलवा सकते हैं क्या? करें नहीं मैम, वो तो वही करेंगे। सैंड ड्यून्स की जब हम बात करते हैं तो सैंड ड्यून्स आप लोगों को पता ही होगा कि देखिए ये इस तरह से आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि इस तरह से बने हुए ये इस तरह के रॉक फॉर्मेशन हैं, ये रॉक फॉर्मेशन हैं। तो ये इस तरह के जो रॉक फॉर्मेशन होते हैं और इनका भी डायरेक्शन जो है, इनकी शक्ल जो है वो बदलती जाती है ड्यू टू फ्लो ऑफ विंड, उनकी शक्ल बदलती है। आपको पता होगा सैंड ड्यून्स एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करते हैं, उनका मूवमेंट होता है। वो आज आपको अगर आप कभी रेतीले एरिया में, राजस्थान में या किसी भी एक ऐसे तरह के एरिया में गए हो जहाँ पर सैंड ड्यून्स दिखाई देते हो, तो उसमें आप ये देखेंगे कि वहां पे जितने भी फॉर्मेशंस हैं वो आपको, आप आज वहां गए हैं कल आपको वहां पे दिखाई देंगे, आपको एक महीने बाद वहां दिखाई दे, जरूरी नहीं। क्योंकि जितनी तेज विंड ब्लो करती है और जिस डायरेक्शन में ब्लो करती है उस हिसाब से वो आगे चलते चले जाते हैं। अच्छा, हम आपको एक और बताना चाहेंगे कि आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक्स तो आप लोग कंसल्ट कर ही रहे होंगे अपने इसके प्रिपरेशन के लिए। एनसीईआरटी की बुक्स बेस्ट होती है, ये आपको पता ही है। उसके अलावा एक ये किताब आती है फिजिकल ज्योग्राफी की, सविंदर सिंह की ये बुक, और ये बुक हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है। आप सब लोग इस बुक को, अगर आप ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक को आप जरूर लें। इट्स अ वंडरफुल बुक और इसमें बहुत ही अच्छा सारा कुछ दिया हुआ है और इसे आपको बहुत अच्छे से सब कुछ सारी बातें समझ में आएंगी जो अभी हम आपको बता रहे हैं। एग्जैक्टली एज इट इज आपको बातें समझ में आएंगी। आपका मकसद है एग्जाम को क्लियर करना, है ना। तो एग्जाम को क्लियर करने के लिए जितना आप ग्रास्प कर सके, बहुत बड़े बड़े राइटर्स की हम लोग बता सकते हैं आपको, लेकिन जिसने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा उसके लिए वो किताबें अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, आप उन कॉन्सेप्ट्स को समझ ही नहीं पाएंगे जो वो कहना चाहते हैं। इसलिए हमेशा आप भी देखेंगे कि जब भी आप लोगों को बोला जाता है, आपसे कहा जाता है कि एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पढ़िए, ये आपसे कहा जाता है। तो इसलिए हम भी आपसे यही कहेंगे कि आप ज्यादा किसी कॉम्प्लिकेटेड बुक्स में या उनके उसमें ना जाके ऐसी बुक्स पढ़ें जिसको जो आपको समझ में आए और जो आप ग्रास्प कर सके, उसको देख के आपको समझ में आए। अब ये देखिए, ये जो अभी हम आपको बता रहे थे ये वही चीज है, दिख रहा ना आपको सबको, ये वही चीज है। एग्जाम्पल ऑफ मशरूम रॉक और ग्वारा, ये वही चीज बनी हुई है। ये इरोशनल लैंडफॉर्म्स हैं। इसके बाद ये देखिए, ये आपका है इस तरह का रॉक फॉर्मेशन होता है जिसमें कि रॉक जो है वो सॉलिड है और पिलर्स जो है वो उनको ये इस तरह से फॉर्मेशन देखिए, ये फॉर्मेशन बने हुए और इनका ऊपर का हिस्सा जो है टेबल फॉर्म है वो एकदम सॉलिड है। यहाँ पर यहाँ पर इरोजन हो गया है और ये हिस्सा सारा कट गया। और ये जो होते हैं वो डीई, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डीई एफ ओ आई एस ई एल एल ई एस, डिमोजन्स कहते हैं जो इस तरह के होते हैं। फिर उसके बाद आता है इंसेलबर्ग, ये भी आपको बना चुका है, ये जो आप दिखाई दे रहा है आपको ये इंसेलबर्ग्स कहलाते हैं। उसके बाद स्टेजेस है फॉर्मेशन ऑफ ज्योंग, जेड ई यू जीई एल, ये भी एक तरह का फॉर्मेशन है। ये आप देख रहे हैं यागांस, यागांस देख रहे हैं जो हमने अभी आपको यहाँ बताया था बेटा आपके साथ।
ये देखिए, ये आपको इससे पता चल बताया, निमज्जन बताया आपको, इसके बाद हमने ये देखिए ये फॉर्मेशन है, पहले तो यहां से शुरू हुआ ये, उसके बाद ये और वाइट होता चला गया, ये और वाइट होता चला गया, और इसके बाद ये बिल्कुल इस तरह से फॉर्मेशन बन गया। तो ये सारे एरिया जो है ये वेदरिंग से, इनको ये इसमें केमिकल वेदरिंग होती है और यहाँ से उसके बाद यादाइंस है, यादाइंस जो भी हमने आपको बताया सिखाया भी था, ये इस तरह से फॉर्मेशन होता है इनका, ये वाला स्पेस जो है यहाँ पर विंड इरोजन होता है। जब हम ट्रांसपोर्टेशन और विंड के बारे में अभी बता रहे हैं, तो ये देखिए हमने आपको बताया माइग्रेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, यही हम आपको अभी बता रहे थे, माइग्रेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, ये किसी भी फॉर्म में इस तरह से कर्व्स में ये एक एक जगह से दूसरी जगह तक ये मूव करते चले जाते हैं, इनका लॉन्जिट्यूडनल लैटिट्यूडनल मूवमेंट होता है, ये देख रहे हैं ना आप लोग, ये लॉन्जिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल मूवमेंट होता है इसमें। तो ये सारी चीजें हमने आप लोगों को इसमें बताई। अब इसके अलावा जो हम आपको सबसे इम्पोर्टेंट बताना चाह रहे हैं, जो कि मुझे लग रहा था कि आपको जरूरी भी जानना चाहिए, एक काम और आप लोग करा करिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ मैं यहाँ अभी कितना वक्त है ये मुझे नहीं पता, लेकिन सिंपल सी बात है, एक एटलस खरीदिए, आप सबके पास एक एटलस होना चाहिए, और वो ये समझ लीजिए कि आपको एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट देखना है, आज आपको सिर्फ नॉर्थ अमेरिका देखना है, आज आपको साउथ अमेरिका देखना है, आज आपको यूरोप देखना है, डेट फिक्स कर लीजिए, 7 दिनों में आप एक डेट फिक्स कर लेंगे विद ओशंस, तो आपके लिए बहुत आसान होगा। उसमें आपको क्या होगा कि आप जैसे जैसे कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं, उन कॉन्टिनेंट्स के आसपास क्या है और वो कैसे बने हैं आपको पहले क्लासेस में बताया जा चुका है, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। आपको पता है जिग्सो पजल की तरीके से आपको पता है दिखता है, अगर हम सबको एक दूसरे से कोलाइज कर दे तो ये बिल्कुल ही आपको लगेगा ये यहाँ फिक्स हो जा रहा है, ये यहाँ फिक्स हो जाता है, ये यहाँ फिक्स हो जाता है, तो एक बॉल था पेंजिया, पेंजिया बॉल था, और उसके बाद ये आगे सेपरेट होना शुरू हो गया। अब जो लास्ट इसका पॉइंट है जो हमें आपको बताना है, दैट इज मेजर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मेजर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, उसके लिए मैं आप लोगों को चाहूंगी कि आप घर पे जाके ये नाम लिखते जाइए और इनको आप घर पे जाके प्लीज अपना है सिंपल ये मैप, इस तरह का मैप वर्ल्ड मैप ले लीजिए, इंडिया का भी मैप लीजिए और वर्ल्ड का भी मैप लीजिए, और इसको प्लीज घर पे जाके होमवर्क करिए खुद अपने लिए करिए, और देखिए कि आपको खुद कितने मार्क्स मिलते हैं, आप खुद अपने को नंबर दीजिए, आप खुद ये जज करिए कि आप कितने नंबर पा पाते हैं। तो ये जो आपको सिलेबस दिया गया है ये आपके पास है ना, ये जो आज मैं पढ़ा रही थी, तो इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि क्या होगा कि यही जो मैं पढ़ा रही हूँ जब आप घर जाएंगे और देखेंगे सुनेंगे समझेंगे उस बात को रिकॉल करेंगे जो मैं आज पढ़ा रही हूँ, और बुक को भी देख लेंगे साथ में यूट्यूब भी देख लेंगे साथ में, आप थोड़ा सर्च कर लेंगे मैप भी देख लेंगे, तो सब चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी आपके दिमाग, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई चीज भूल रहे। लेकिन अगर आप आज से एक महीने बाद फिर से उसको सोचने की कोशिश करेंगे तो तो सबसे पहले आप लोगों को डेजर्ट में लिख लीजिए इम्पैक्ट ऑफ विंड्स, इम्पैक्ट ऑफ विंड्स, देन नंबर टू इज पेडिमेंट्स एंड पेडिप्लेक्स, पेडिमेंट्स एंड पेडिप्लेक्स, देन प्लाइज PLAYAS, देन deflation, deflation, hollows, XOLAOWS, deflation, hollows and caves, then mushroom, हमने आपको अभी दिखाया से बना के, table and pedestal rocks, इसके बाद आता है सैंड ड्यून्स, BARCHANS, बाकांस, देन मेजर लास्ट में आता है मेजर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मेजर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड,
इसके बाद हमको शुरू करना है पेन। बिफोर आई स्टार्ट पेन, सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करिए, पहला है ये आपका ऊपर, ये आर्कटिक डेजर्ट। आर्कटिक डेजर्ट कैसा डेजर्ट हुआ? फिर उसके बाद आता है ये एरिया आप समझ रहे हैं, ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका के तीन पार्ट्स हैं, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स एंड मेक्सिको, और ये अलास्का जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स में आता है। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता दें, जो कि अभी आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मेरा मन हो रहा है कि मैं आपके साथ शेयर करूं। अलास्का जो है कनाडा के पास था, और ये बिल्कुल कवर्ड था, स्नो कवर्ड एरिया था। तो कनाडा को ये बहुत यूजलेस लगा कि हमारे काफी काम का नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, ऐसा अक्सर हम लोग भी करते हैं, इन्होंने कहा कि हमारा यूनाइटेड स्टेट का ये बहुत क्लेवर था, इसने कहा कि ठीक है तुम्हारे लिए काम का नहीं है, तुम हमको भेज दो। उन्होंने कहा ठीक है हम भेज देते हैं। तो इन्होंने कनाडा ने अलास्का को यूएसए को भेज दिया, और आज जितने में इन्होंने खरीदा था उससे 10 से मल्टीपल, मुझे बता भी नहीं सकती मैं कितने गुना ज्यादा हर साल यूएसए अर्न करता जितने में उसने ये खरीदा था, क्योंकि ये फुल ऑफ मिनरल्स है। उनको लगा ये स्नो कवर्ड है, लेकिन ये सारा का सारा एरिया मिनरल से भरा हुआ है। इसके बाद बहुत पेट्रोलियम है, बहुत कोल है, बहुत तरह के मिनरल्स। तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरेशिया, यूरोप एंड एशिया है, इसमें सारा का सारा। ये आपका इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है। तो जो हमारे इम्पोर्टेंट डेजर्ट्स है वो आप किसे यहाँ पर आता है आपका नॉर्थ अमेरिका की तरफ, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो प्लेटू, सबसे पहले अफ्रीका डेजर्ट देखा आपने, दूसरा अभी यहाँ पर हमने आपको बताया ग्रेट बेसिन, कोलोराडो प्लेटू। फिर उसके बाद ये जो एरिया है ये आता है, इसे लिख लीजिए सोनोरा, SONORAN, देन मोजेक, MO में है। अरे फिर आपको बता ही दिया हमने आपको।
इसके बाद ऊपर जब आप फिर से जाते हैं, आप लोगों ने तेगाव टुंड्रा एरिया के बारे में जरूर सुना होगा ना, हाँ, तो ये सब कोल्ड डेजर्ट उसी में आते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा उसी में आता है, और ये सारे आर्कटिक डेजर्ट के नाते ऊपर वाले सब। उसके बाद वो भी नाम सुना है क्या है, हाँ, ये सब देख लीजिएगा प्लीज, और मैप पर बनाइएगा जरूर, हाँ, मुझे आप दिखाएंगे सब कुछ अपने लिए बनाइएगा। वो भी डेजर्ट लिख लीजिए, यहाँ पर वो भी डेजर्ट है। फिर आता है आपका टकला मकान, टकला मकान लिख लीजिए, टकला मकान किसी के पास में ही है, यहीं पर है, TAKLAMAKAL टकला मकान। फिर काराकुम, काराकुम इधर आता है, काराकुम KARA काराकुम। काइजल कुम KYZYAYL, ये भी इसी के पास में है, इसी एरिया में है, काइजल कुम KAKYZYLKUM काइजल कुम। अब हम आ जाते हैं, पहुंचते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आपको पता है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही डेलिकेट एरिया है, लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा चैलेंज ये है कि यहाँ पर डेजर्ट एरिया बहुत ज्यादा डेजर्ट और लीवर विंडवर्ड एरिया और इसी सब की वजह से इसमें है, लेकिन जितना एरिया इनके पास है उसको इन्होंने बहुत खूबसूरती से मेंटेन किया हुआ है और बहुत ही अच्छा। यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत फेमस है, डेयरी इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है, उसी के पास आपका न्यूजीलैंड है। तो यहाँ पर जो सबसे मुश्किल बात यह है कि इनका जो वेस्टर्न पार्ट है वो पूरा का पूरा डेजर्ट एरिया है, जिसमें आप नाम लिख लीजिए यहाँ पे जितने भी डेजर्ट है उनके, ऑस्ट्रेलिया के जितने डेजर्ट है, तानिमु TANAMI, देन ग्रेट सैंडी डेजर्ट, देन गिब्सन GIBSON गिब्सन, देन ग्रेट विक्टोरिया, ये सारे के सारे इस तरफ आते हैं। और यहाँ इस थोड़ा सा वेस्टर्न पार्ट अगर हम ले लें तो थोड़े से वेस्टर्न पार्ट में आते हैं दो, एक सेंट्रल पार्ट है और एक थोड़ा सा वेस्टर्न पार्ट है, इसमें आते हैं स्ट्यूट STURT स्ट्यूट स्टोनी STONY स्ट्यूट स्टोनी, और एक आता है सिम्पसन डेजर्ट SIMPSON। और यहाँ नीचे क्या है इतना बता, नीचे वाला बस बता दीजिए, अंटार्कटिका और ऊपर वाला, तो अब आपको एक बात समझ में आ रही है जो सब पढ़ाने के बाद, ये जीरो डिग्री है जो कि इसको क्रॉस करती है, जीरो डिग्री के 15 डिग्री ऊपर, 15-35 ऊपर और 15-35 डिग्री नीचे डेजर्ट है। बीच वाला जो है वो वहाँ बहुत ज्यादा हमारे ऊपर होता है, तो वो सारा का सारा ये कॉन्गो बेसिन का एरिया है, या ये आइलैंड्स हैं, या यहाँ पे अमेज़न बेसिन का एरिया है, ये बहुत ही ग्रीन एरिया, बहुत ग्रीनरी है, बहुत फॉरेस्ट कवर है, लेकिन जैसे ही हम 0 डिग्री से 50 डिग्री नॉर्थ और 15-35 ऊपर जाते हैं, 15-35 नीचे आते हैं, वैसे ही हमारा जो है डेजर्ट शुरू होगा। तो आप लोगों का एक पार्ट सेक्शन खत्म हुआ, जो भी आपका इसमें उसके बाद अब हम नेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं प्लेन। यही तो मैंने आपको क्या आप कह रहे हैं वेस्टर्न, आप ये कह रहे हैं कि वेस्टर्न साइड में डेजर्ट ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन में, हाँ, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो कि आपने जब फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट पढ़ा होगा, जब आपने कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन पढ़ा होगा तो आपने ये देखा होगा कि ये सारे के सारे एरिया जो है ये एक जिग्सो पजल के तरीके से, और ये बाद में ये सेपरेट हुए, तो सेपरेट हुए तो इनकी आप बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग इसकी कोस्टल कैरेक्टरिस्टिक, इसकी कोस्टल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उस समय जिस तरीके का फॉर्मेशन था, रॉक फॉर्मेशन था, जैसे हम बात करते हैं गोंडवाना लैंड की बात करते हैं, तो गोंडवाना लैंड जितना भी एरिया है ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में डिवाइड, तो जो गोंडवाना लैंड है और बीच में जियोसिंक्लाइन था, जियोसिंक्लाइन में डिपोजिशन हुआ और उसे माउंटेन फॉर्मेशन हुआ, ये जो हमारे हिमालय माउंटेन और जितने भी माउंटेन है उसका पूरा फॉर्मेशन था। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया था जिसकी कि आप बात कर रहे हैं वो आर द ओल्डेस्ट रॉक्स, तो ओल्डेस्ट जितने भी रॉक होंगे उसमें वेदरिंग बहुत ज्यादा होगी। आप ये जानते होंगे कि अरावली जो है
there is a difference between desert and desertification. Desertification is a process जिसके वो man-made भी होता है, कुछ man-made होता है कुछ natural होता है. Natural phenomena मैंने आपको बताई थी, यदि man-made phenomena भी होता है जैसे कि अभी आप बैठ जाए प्लीज अभी देख रहे होंगे सुन रहे होंगे कि वाटर टेम्परेचर नीचे जा रहा है, पानी की क्राइसिस हो रही है उन एरियाज में जहाँ कभी पानी की क्राइसिस नहीं. तो ये इट्स अ प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन. आप ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे और क्या है कि जो एनिमल्स हैं उनकी ग्रेजिंग के लिए उन एरियाज को लैंड फॉर यूज करते हैं और वो जितने भी एग्रीकल्चर बेल्ट है वो सारे की एनिमल ग्रेजिंग के लिए भी यूज करते हैं, उससे भी बहुत सारा ये सारा एरिया जो है उसको डेजर्ट में कन्वर्ट किया जाता है. वो बात क्लियर? जिन एरिया में सॉफ्ट रॉक्स हैं जो कि उसको बालू में कन्वर्ट कर सकते, रेत में कन्वर्ट कर सकते हैं जब विंड जो है वो इरोजन करेगी और केमिकल रिएक्शन से. लेकिन आप ग्रेनाइट को आप चाहें कि वो बालू में, उसके लिए तो बहुत दूसरी बात ये है लीवर ऑफ इन्फ्लुएंस साइड जब ये माउंटेन्स नहीं ऊंचे थे जो अलावा जितने भी कोस्टल माउंटेन है आप जितने भी आप देखना चाहे यहाँ देखे चाहे आप इंडिया में देखे सारे माउंटेन्स की हाइट बहुत ज्यादा है. तो हाइट बहुत ज्यादा अब ये धीरे धीरे करके कम होते चले गए. और वही तो मैं बता रही हूँ, वही बात तो मैं बार बार कह रही हूँ आपसे कि ये सारी चीजें जो है उसी का रिएक्शन. वही तो बता रही हूँ जब ये आपको मैं गोरिल्ला स्पोर्ट्स के बारे में आपने सुना, आप देखिए मुझे अगर दूर ले जाएंगे तो आपका जो सिलेबस से वो मैं नहीं करवा लेकिन मैं आपको बताऊंगी आज क्या सवाल पूछे थे मैं बताऊंगी जरूर. मेरे पास अब सिर्फ आधा घंटा बचा है, एक घंटा मैंने प्रैक्टिस ले लिया, आधे घंटा मुझे प्लेन पढ़ा गया और प्लेन बहुत कम है लेकिन फिर भी मैं आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी. गोरिल्ला स्पोर्ट्स का नाम सुना होगा आपने? गोरिल्ला स्पोर्ट्स में क्या होता है कि जो भी यहाँ मॉइस्ट फील्ड होती है वो जब आती है तो वो राइट में टर्न करता है और राइट में टर्न करती है, इसी के हमारा जो केरल का कोस्ट है उसमें सबसे ज्यादा बारिश बात समझ है. तो वो सिर्फ यही पर काम नहीं करती, वो यहाँ पर भी काम करती है, वो यहाँ पर भी काम करती है, वो हर एक एरिया पे काम करती है, वो सिर्फ एक इंडिया के लिए बारिश हो करती है. तो वो जो जो जब वो मूवमेंट होता है उसका और वो राइट पे टर्न कर जाता है तो कोस्टल पे एरिया पे उसने रेनफॉल किया और रेस्ट जो आता है जो कि वहाँ पर रिवर साइड है वो डेजर्ट हो जाता है. तो वहाँ पानी नहीं बरसता, पानी नहीं बरसता तो वहाँ पर फिर उसी तरीके के फॉर्मेशन आते हैं. हर एक बात में हर एक उसमें जवाब जो हम आपको डेजर्ट के बारे में जब
कुआं खोदते हैं तब उनको पानी मिलता है और यहाँ पानी खरीदना पड़ता है, तो उनको नेचुरली बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है टू सर्वाइव। अब प्लेन एरिया सबसे कम बजट एरिया का प्लेन का फॉर्मेशन कैसा कैसे होता है ये आपको बता चुके होंगे यहाँ पे पहले वाले चीजें कि कैसे प्लेन फॉर्मेशन होता है और कैसे हमारे जितने भी प्लेन बने हैं वो किस तरह से बने हैं उसको वहां तक हम नहीं जाना चाह रहे हैं। अगर आपको जानना है और आपको लगता है कि आपको नहीं समझे तो एक बार हम कहिए रिपीट कर देते हैं, सिंपल सा बहुत जल्दी से बताते हैं आपको क्योंकि अभी मुझे खुद अपने कॉलेज भी पहुंचना है और वहां पर भी मुझे। तो एक गोंडवाना लैंड और अकारा लैंड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, उसके बीच में जियो सिंप्लाइन ये पढ़ा, उसमें डिपोजिशन हुआ ये भी पढ़ा, उसमें कुछ जो कहते हैं कि साउथ से प्रेशर ऊपर की तरफ आया, कुछ कहते हैं नॉर्थ से प्रेशर ऊपर की तरफ आया, दोनों एक दूसरे कोलाइड किया और बीच का जो एरिया था जो जियो सिंप्लाइन है वो अपलिफ्ट हुआ, अपलिफ्ट होने से माउंटेन बना, माउंटेन की बात करें तो अभी एरिया था और वहां से जब माउंटेन से रिवर्स देखे उन्होंने डिपोजिशन किया, डिपोजिशन करके ये जितना भी प्लेन एरिया है हमारा उस फॉर्मेशन में वहां पर आ गया और ये दो पार्ट में वो भी प्रेजेंट की वजह से ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये भी आपको मालूम होगा, एक पार्ट चला गया वेस्ट में और एक पार्ट चला गया ईस्ट में। ईस्टर्न पार्ट का जो आपका पार्ट है वो ये स्टैचू वगैरह का पार्ट आ गया और इधर की तरफ की जो है यहाँ की यूरोपियन माउंटेन से वो आ गए। तो ये हम पर्टिकुलर इस फॉर्मेशन के बारे में बता रहे हैं कि प्लेन किस तरीके से फॉर्म होते हैं और ये प्लेन आपको सभी को पता है एल्यूवियल सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, लेयर्ड सॉइल है, इस बराबर कंटिन्यूअस यहाँ पर मिट्टी का जमाव होता रहता है, उपजाऊ मिट्टी है, नदियां बह रही हैं और कंटिन्यूअस यहाँ पर डिपोजिशन हो रहा है और नदियां कहाँ से आ रही है जो पेरेंट रॉक है, पेरेंट रॉक से मिट्टी हमारे पास यहाँ पर आ रही है। पेरेंट रॉक क्या होता है, पेरेंट रॉक होता है जो माउंटेन की रॉक होती है, माउंटेन की रॉक बहुत ही थिन रॉक होती है, कोई बात कर रहा है पीछे आप लोग को आप लोग मुझे बोलना चाहें, मुझे पूछना चाहें या आपको बताना चाहें मुझे जरूर बताइए, कहीं हम जो भी आपको बोलते प्लीज सुन लीजिए मेरी बात। तो कोई जो बात कर रहा था वो प्लीज मुझे बताएं क्या बात कर रहे थे आप लोग, तो मुझे मैं भी सुनना चाहूंगी शेयर, मुझे भी कुछ नया आपको सुनने को मिलेगा क्योंकि आप लोग देखिए नई आप मैंने 1988 में पढ़ाई करी और आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत फर्क हो गया, बहुत नई चीजें भी आ गई हैं। तो नाचिए आपके पास मुझसे ज्यादा नॉलेज है और टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है आपके पास, तो हमारे पास नहीं ना आता मोबाइल था ना कंप्यूटर था ना इंटरनेट था, हम सिर्फ किताब से पढ़ते, तो आप मुझे कुछ शेयर करेंगे मैं बहुत अच्छा। तो एक बात ये हम बता रहे थे कि प्लेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन है उनको आप लोग समझ लीजिए जितना चाहे लिख लीजिए जैसा कि आप कहें। तो इसमें सबसे पहला आता है अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें आता है सबसे पहले फ्लैट प्लेन जिसको हम जियोलॉजी बोलते हैं जियोलॉजिकल। उसके बाद दूसरा आता है अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ओरिजिन, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ओरिजिन में सबसे पहले आता है फॉर्मेशन ड्यू टू अपलिफ्टमेंट ऑफ कोस्टल प्लेन्स, अपलिफ्टमेंट या कोस्टल प्लेन्स जो कि हमारे केरल में आपको दिखाई देगा, केरल का जो फॉर्मेशन आप ये देखेंगे कि डेक्कन प्लेटू था जब ओरिजिनली गोंडवानालैंड थी, डेक्कन प्लेटू में डेक्कन प्लेटू के ये जो केरल का कोस्टल एरिया है इसका फॉर्मेशन बाद में जो रिवर्स निकली जो ईस्ट में और वेस्ट में जो रिवर्स निकली उन रिवर्स से जो डिपोजिशन हुआ कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर। यू नो अबाउट व्हाट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो कोस्ट आगे जब किसी लैंड एरिया से मिलता है समुद्र जमीन से मिलता है और एक शैलो एरिया होता है, शैलो एरिया होता है उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया कहते हैं, वहां पर डिपोजिशन हुआ और उससे ये फॉर्मेशन हुआ। तो ये आ गया फिर फॉर्म्स ड्यू टू द सबसाइड बाय पास सेडिमेंटेशन ऑफ कोस्टल प्लेन के सेडिमेंटेशन से या सबसाइड होने से, फिर आता है लावा प्लेन और वोल्केनिक प्लेन, ये आपने देखा ही है लावा प्लेन हमारा पूरा जो इंडिया में है ये पूरा लावा प्लेन है और बहुत ही फर्टाइल सॉइल है, आपको सबको पता है मिनरल्स यहाँ बहुत ज्यादा है और फर्टाइल भी बहुत ज्यादा है, स्पेशली कौन सी क्रॉप यहाँ होती है
कॉटन कॉटन के लिए बहुत फेमस है ये एरिया। तो ये हो गया नंबर टू। नंबर अकॉर्डिंग टू एवरेस्ट के बाद आता है डिपोजिशन प्लेन। इसमें आते हैं सबसे पहले एल्यूवियल प्लेन जो कि हमारा गंगा प्लेन है जहाँ हम रह रहे हैं ये एरिया है। नंबर टू ग्लेशियल डिपॉजिट। ग्लेशियल डिपॉजिट आप सब समझते हैं है ना, ये शायद पढ़ भी चुके होंगे आप लोग, जो ग्लेशियेशन से होता है। फिर आता है सैंडी प्लेन या जो आप लोग अभी हम जिसके बारे में हेरिटेज के बारे में बात कर रहे थे। फिर आता है मरीन डिपोजिशनल प्लेन। मरीन डिपोजिशनल प्लेन जो कि हमारे जितने भी समुद्री एरियाज हैं उनके उन एरिया में उसके आसपास का जितना भी एरिया आता है वो आता है। फिर उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। लोकेशन में इनलैंड प्लेन आता है और कोस्टल प्लेन आता है। इनलैंड प्लेन जो कि अंदर की तरफ है, अंदर का एरिया जितना भी है उसमें यहाँ पर जितने प्लेन एरिया है जितना जो कि इम्पोर्टेंट रिवर्स है इनलैंड रिवर्स है, इनलैंड रिवर्स जो है इनलैंड प्लेन का फॉर्मेशन करती है। आपको पता है कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है? तो ये जो इनलैंड प्लेन पे इनलैंड रिवर्स से इनका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद कोस्टल प्लेन आता है, कोस्टल प्लेन आपको सबको पता ही है। फिर आता है सिंप्लीफाइड क्लासिफिकेशन, इसमें आता है कंस्ट्रक्शन और प्लेन, इरोजनल प्लेन और डिपोजिशनल प्लेन। बात सबकी एक ही, उनके फॉर्मेशन के ऊपर वो डिपेंड, जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं या आपको इनको अलग अलग बायफर्केट किया है वो इस वजह से किया है क्योंकि सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ओरिजिन, वो क्यों किस तरह से ओरिजिन में उनके बारे में। फिर आता है डेस्ट्रोपिक प्लेन, DISTROPHIC डेस्ट्रोपिक प्लेन। इसमें जब हम देखते हैं तो इसमें भी वो जितने भी हमारे प्लेन्स का फॉर्मेशन है उनके बारे में हम क्लास लेके आते हैं। इसमें सबसे पहले आप ग्रेट प्लेन ऑफ यूएसए अगर आप देखते हैं, ग्रेट प्लेन ऑफ यूएसए यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर सबसे या कौन कौन सी रिवर्स है कुछ आप लोग को याद है, कौन सी रिवर है यूएसए में जो बहुत फेमस है? मिसिसिपी प्लेन। मिसिसिपी प्लेन, अब एक चीज और मैं आपको बहुत ही अच्छी बताती हूँ जो कि यहाँ से और हमारे भारत में और थोड़ा सा अमेरिका में फर्क हो जाता है कि जो भी रिवर वहाँ पर जो भी फ्लड्स आते हैं, हमारे भारत में भी फ्लड का बहुत ज्यादा पानी है जिसको अगर हम सेव कर सकें तो हम उसको बहुत अच्छी मात्रा में उसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मिसिसिपी रिवर का एक बूंद पानी भी वेस्ट नहीं होता, वो जो भी पानी वहाँ पर उसको किसी ना किसी फॉर्म में उसको यूटिलाइज करते हैं। और हम सब भी अगर आप जब सब आपको सिलेक्शन हो जाएगा आप सब लोग कोशिश करिएगा, सभी लोग कर रहे हैं आजकल, नई नया जो आ रहे हैं जो ऑफिसर्स सब बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करिएगा कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स बनाएं। और जितना ज्यादा हम पानी को सेव करेंगे उतना है, आपको पता है जितने भी सिविलाइजेशन हुए हैं वो क्यों खत्म हुए हैं? सारे सिविलाइजेशन पानी की क्राइसिस की वजह से हुए। पानी की क्राइसिस हुई तो डिजीजेस हुई, डिजीजेस हुई तो डेथ्स हुई, और डेथ्स हुई तो एपिडेमिक टाइप की डेथ्स हुई, और उसमें फिर वो लोग वहां उस एरिया को छोड़ के भाग, क्योंकि अगर आपके पास पानी नहीं होगा तो सफाई नहीं होगी, सफाई नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी, बीमारियां होंगी, बीमारियां होंगी तो आपके डेथ्स होंगे। तो ये सारी चीजें हैं उनको आप लोगों को समझना है और बहुत ध्यान से उनको पढ़ना है। अब इसके बाद जो फॉर्मेशन आता है मैं आपको ये टॉपिक दिए हैं, पहले हम उस पर आ जाते हैं। तो इसमें रिवर की स्टेजेस के बारे में आप सबको पता है, रिवर की स्टेजेस सबसे पहले यूथ स्टेज आती है। यूथ स्टेज कहाँ से शुरू होती है? माउंटेन से शुरू होती है। माउंटेन से आप कैसे ओरिजिनेट करते हैं? माउंटेन में जब आप कहते हैं कि माउंटेन से रिवर जो है वो माउंटेन आ रही है, ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ ग्लेशियर, बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर। तो जैसे ही जो जितना भी वहां पर बर्फ है वो सारी मेल्ट कर रही है, मेल्ट कर रही है, और जो कि बिल्कुल ही फ्रेश वाटर है हमारा वो वहां से आ रहा है और वो बहुत ही तेजी से आ रहा है। एक बात आपको समझने की है कि जो सबसे जो उसकी यूथ स्टेज होती है वो बहुत सबसे ज्यादा उसमें स्पीड होती है और सबसे ज्यादा वेदरिंग होती है, सबसे ज्यादा रॉक्स की वेदरिंग वहीं पर होती है, और वहीं से वो रॉक्स की वेदरिंग वही सॉइल में लेकर आता है और लेकर वो मिक्स कर देता है रिवर में और वो डिपोजिशन होता है और आगे चल जाता है। उसमें आगे बहुत सारे और आपको बताते चलेंगे। तो फिर उसके बाद आता है मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज वो स्टेज है जो कि हमारे यहाँ पर आप देख रहे हैं इलाहाबाद में है या हमारे लखनऊ में है। तो ये मैच्योर स्टेज है जब उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो डिपोजिशन सेडिमेंटेशन करने लगती है, दोनों तरफ में
जो फर्टाइल सॉइल है उसका डिपोजिशन होने लगता है, तो ये मेच्योर स्टेज कहलाती है। और ओल्ड स्टेज जो आती है वो हमारी जब गंगा गंगा का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, गंगा जब हमारी समुद्र में जाकर मिलती है तो वो डेटा फॉर्मेशन करती है। तो अलग अलग जो ये स्टेजेस हैं इनका अलग अलग तरीके के फॉर्मेशन होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है नंबर वन पॉट होल्स एंड प्लंजेस। प्लॉट होल एंड प्लंजेस पूल जो जब जब निकल रही है वहां से नदी निकल रही है तो वो इतनी स्पीड में होती है कि वो अपने आसपास के एरिया में छोटी छोटी लेक्स बनाती चलती है। और आपको एक बहुत ही खूबसूरत, अभी वक्त नहीं है मेरे पास में तो मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी पोएम सुनाती जो कि स्टेजेस ऑफ रिवर्स के बारे में है, और वो आपको उसमें आपको सारी चीजें दिखाई देती है, ब्लॉक्स को लिख भी दिखाई देती है और उसमें और चीजें दिखती, कभी फिर मिलेंगे तो बात करेंगे। तो उसमें क्या है कि वो नदी जो है वो आती है और वो एक स्टेज पे गायब हो जाती है, कहीं आपको दिखाई नहीं क्योंकि वो पहाड़ों में अंदर चली जाती है और फिर आपको बाहर आती हुई दिखाई देती है। और आपको पेरिप्लेज वगैरह आपको पता ही होगा कि वो बाहर की तरफ आ रहे हैं और वो क्या करें और वो तरह तरह के जगह जगह पे तराई एरिया जिसको हम भाबर और खादर एरिया सुनते हैं, आप भाबर एरिया है, खादर एरिया है, तराई एरिया है, ये सारे एरिया जो है वो माउंटेन के एरिया है जो कि वहां से डिपोजिशन आ रहा है, वहां से पेबल्स आ रहे हैं और उनमें वो कभी रिवर गायब हो जाती है और उसके बाद फिर से वापस निकल आती है। इसके बाद आता है आपका मियांडरिंग। मियांडरिंग आप लोग समझते हैं क्या होता है? हाँ, आप कभी आपको मौका मिले आप लोगों को तो घूमती आप लोगों ने ऐसे तो देखी होगी किनारे किनारे में, कभी आप किसी बहुत ही ऊंचे एरिया पे करें, मतलब सिंपल सा आपको एग्जाम्पल देते हैं कि कोई बहुत ऊंची हाई राइज बिल्डिंग गूगल मैप से देखने थोड़ी मजा आता है, जो सामने देखने में मजा आता है वो उस पर थोड़ी आता है। अब आप जैसे गूगल मैप पे तो आपको कश्मीर भी घुमाएंगे वो बात थोड़ी आएगी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ जैसे जब मैं बीइंग अ ज्योग्राफर मुझे कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं लगता जिसमें ज्योग्राफी ना हो। यू नेम अ सब्जेक्ट एंड इट इज रिलेटेड विद ज्योग्राफी, यू कांट सर्वाइव विदाउट ज्योग्राफी, यू कांट थिंक अबाउट एनी सब्जेक्ट विदाउट ज्योग्राफी, क्योंकि बिना ज्योग्राफी के कोई सब्जेक्ट उत्पन्न ही नहीं हो सकता, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपकी फिजिक्स हो, चाहे आपकी केमिस्ट्री हो या साइकोलॉजी हो, वॉट एवर you name a subject and it can tell you the relationship between those subject with geography. तो बात मैं इससे कह रही थी कि जैसे मैं जो एग्जाम्पल आपको देखती हूँ क्लास सेवन है जो यहाँ का होटल है उसके ऊपर टॉप पे अगर आप खड़े हो जाए तो आपको देखा देगा कि किस तरह से वो रिवर जो है वो मियांडरिंग कर रही है और उसकी मैंने कई बार फोटो ली है ऊपर से और वो देखने में बहुत। तो मियांडरिंग कब होती है? मियांडरिंग तब होती है जब जो एरिया रिवर को सॉफ्ट लग सॉफ्टर रॉक एरिया वहां पर वो कर्व अपना बना लेती है और उस तरह से वो फ्लो करती चलती है। अब एक बात आपको बताया, बहुत साल पहले की बात है, एक गांव था वहां पर एक उनको पुल बनाना था उस एरिया में, तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये एडवाइस किया कि इस जगह पर पुल मत बनाइए क्योंकि यहाँ रिवर मियांडरिंग करती है। तो शायद जिन्होंने को पुल बनाना था उनको बात नहीं समझ में आई, बात क्यों नहीं समझ में आई इसके बारे में हम ज्यादा नहीं बताएंगे। तो उन्होंने वो पुल बना दिया, अब वो पुल वहां पर है और रिवर मियांडर कर रही है, मतलब पुल जहां जिस नदी के ऊपर बनाया गया था वहां पर नदी नहीं बह रही, नदी पुल वहां पर है, नदी दूसरी जगह से बह रही। तो उसका एक पर्टिकुलर विथ होती है, एक एरिया होता है, उस एरिया में आप कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते ये सोच के कि यहां तक रिवर नहीं आएगी, ऐसा नहीं सोचते हैं। वो पता होता है, जियोलॉजिस्ट को पता होता है, ज्योग्राफर्स को पता होता है, साइंटिस्ट को पता होता है, तो उस एरिया को छोड़ के ही आपको आगे काम करना पड़ता है क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर एरिया में कहीं भी जा सकते हैं। तो मियांडरिंग का मतलब क्या हुआ? जो कि रिवर अपना कर्व लेती हुई चलती है। अब क्या होता है कि नेक्स्ट ड्रिंक का नीडर क्या होता है? पानी मियांडरिंग, मियांडरिंग मतलब कर्व लेना, कर्व होता क्यों है? रिटर्न क्या बताया ना मैंने आपको, एक बार देखिए सिंपल सी बात है, ये नदी है, ये नदी माउंटेन से निकल रही है, यहां से निकल रही है और ये जो कि प्लेन में आ रही है, प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में जैसे ये एंटर करती है, देखिए ध्यान से एंटर करा और उसको जहां जहां सॉफ्ट लैंड एरिया अपने लिए एक रास्ता कहते हैं, रास्ता मिला वो उसी रास्ते पर चलती चली जाती है और वो रास्ता उसके ये देखिए ये जो एरिया है ये मियांडरिंग कहलाता है, ये एरिया ये चीज मियांडरिंग कहलाता है, ये कर्व प्लेन। अब क्या है कि ये एरिया यहां से लेकर यहां तक कहीं भी हो सकता है,
इतना एरिया ये कहीं पर भी हो सकता है, आज ये यहाँ पर इस जगह पर फ्लो कर रही है रिवर, इस एरिया में फ्लो कर रही है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर ये क्या हो जाए कि उस अपना
और नंबर फोर्थ है कास्ट प्ले. कास्ट टोपोग्राफी जो है ये आप लोगों को काफी फिर से हम लोग मिलते हैं तो कास्ट टोपोग्राफी के बारे में बात करते हैं कि लाइम स्टोन से जो फॉर्मेशन होते हैं रॉक फॉर्मेशन ड्यू टू लाइम स्टोन जो है बहुत ही सॉफ्ट स्टोन होता है तो बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड बिकॉज ऑफ वाटर कई तरीके की फॉर्मेशन कास्ट टोपोग्राफी में आते हैं. डिपोजिशनल प्लेन हमने आपको बताया रिकॉर्ड डिपोजिशन प्लेन होता है पिटमोन प्लेन है फ्लड प्लेन है. आप जब पढ़ेंगे घर पे भी तो आपको बहुत क्लियर होता चला जाएगा. डेल्टा प्लेन आप सबको मालूम ही है लावा प्लेन आपको मालूम है विंड डिपोजिशनल प्लेन आपको मालूम है और जो इम्पोर्टेंट प्लेन्स हैं वर्ल्ड के वो भी आपको काफी कुछ पता है. इंडिया में जो प्लेन्स है उनकी लिस्ट है बहुत लंबी. अब इतना लंबा इतनी लंबी बात हम आपसे अगर अभी कहने लगेंगे तो टाइम बचा है 5 मिनट मेरे पास. तो ये जो इंडिया के प्लेन्स हैं ये इतनी लंबी लिस्ट है इनकी और इसमें राजस्थान प्लेन के अंदर कई सारे अगर आप चाहें तो हम आपको ये पेपर दे सकते हैं आप इसकी फोटो कॉपी करा सकते हैं या बुक में भी अवेलेबल है. ये बुक में अवेलेबल है ये आप देख लीजिए. ये पूरे प्लेन है सबसे पहले राजस्थान के प्लेन है राजस्थान में 2 पार्ट में डिवाइड किया उसके 8 पार्ट अलग से फिर पंजाब प्लेन है पंजाब प्लेन में 2 पार्ट है फिर उसके बाद अलग पार्ट है. अपर गंगा प्लेन है मिडिल गंगा प्लेन लोअर गंगा प्लेन आसाम में तो इस तरह के इसके सब डिविजन भी हैं. तो ये सारे प्लेन्स आपको याद करने पड़ेंगे मतलब नाम तो याद करने पड़ेंगे कि कौन कौन सा प्लेन कहाँ पर है और जो वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट प्लेन है ये सब आपको. थैंक यू सो मच. I hope you all understood and please घर जाके एक बार प्रैक्टिस कीजिए वो भी साथ करवाया है आपको बताइए.